दोस्तों डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को जरूर नोट कर लिया जाए। तो दोस्तों बेहोश होना को इंग्लिश में टू फेंट कहते हैं, मजबूर करना को इंग्लिश में टू फोर्स कहते हैं, शिकायत करना को इंग्लिश में कंप्लेन कहते हैं, उलझा हुआ को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लगातार होना को इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहते हैं, छोड़ देना को इंग्लिश में एबेंडन कहते हैं, समाप्त करना को इंग्लिश में एबुलिश कहते हैं, सराहना करना को इंग्लिश में अप्रिशिएट कहते हैं, हासिल करना को इंग्लिश में अचीव कहते हैं, अंजाम देना को इंग्लिश में कैरी आउट कहते हैं, खेती करना को इंग्लिश में फार्मिंग कहते हैं, विचार करना को इंग्लिश में कंसिडर कहते हैं, उधार लेना को इंग्लिश में बोरो कहते हैं, समर्थन करना को इंग्लिश में टू सपोर्ट कहते हैं, मुसीबत को इंग्लिश में ट्रबल कहते हैं, जुनून को इंग्लिश में पैशन कहते हैं, घिनौना काम करना को इंग्लिश में टू डू एमिनेशन कहते हैं, बड़े बड़े सपने देखना को इंग्लिश में एम्बिटियस कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।